पार्ट थ्री पे चलते हैं। देशभक्ति है ना, देश की भक्ति, देशस्य भक्ति, देश कथिता देशभक्ति का, देश की जो भक्ति होती है देशभक्ति कहते हैं। दे हमारे देशस्य भक्ति अस्माकं सर्वेषां मानवानां कर्तव्यम्, हमारे देश में भक्ति जो देश की भक्ति सभी मानव का प्रमुख कर्तव्य है। वयम यस्मिन् देशे वसामः, हम उस देश में रहते हैं, तस्य रक्षणं सेवा च अस्माकं पराधर्मः अस्ति, इसलिए हमारा परम धर्म है इस देश की रक्षा करना। इयं भूमि अस्माकं जलेन अन्नेन पर्यावरणेन च पोषणं करोति, यह भूमि हमारे जल अन्य पर्यावरण के पोषण करती है। जन्म भूमि स्वर्गादपि श्रेष्ठ होती, जो जन्मभूमि होती है स्वर्ग के समान होती है। इति विदुषां मतमिति, ऐसा विद्वानों का मत है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये जो भूमि है वो माता के समान होती है और पुत्र हम होते हैं। इति अथर्ववेदे प्रोक्तम, यह अथर्ववेद का कहना है। सर्वै मानवै देशस्य सेवायैः आत्मनः सर्वस्वं समर्पणीयम्, सभी मानव देश की सेवा में आत्मा के समर्पण किए स्वीकार, अपना सर्वस्व स्वीकार समर्पित किए हुए हैं। देश संपत्ति, देश की संपत्ति की सुरक्षा के लिए, अभिवृद्धि के लिए संस्कृते प्रचारो च देशवासिना कर्तव्यमस्ति, संस्कृति का प्रचार, संस्कृत का प्रचार देशवासियों का प्रमुख कर्तव्य है। यस्य देशस्य नागरिका देशं प्रति समर्पिता भवन्ति, इस देश के नागरिक देश के प्रति समर्पित हैं। स्वदेश सर्वदा उन्नति पथम आरोहति, यह देश हमेशा उन्नति का प्रतीक है। देशभक्ति ही पुनीत कर्म कहलाता है। ये देशाय प्राणान्त जन्ति ते स्वर्गम लभन्ते, ये देश प्राणों को त्याग करके और स्वर्ग को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है परोपकार, है ना, परेशम उपकार परोप, दूसरों पर उपकार करना ही परोपकार है। परोपकार के बिना मानव पशु समान है, ऐसी प्रकृति असमान परोपकार है शिक्षित, इसलिए हमें परोपकार की शिक्षा देनी चाहिए। वृक्षा परोपकार आय फलंते, वृक्षा परोपकार से ही फल देते हैं। नद्यापि परोपकार आय वहंती, नदी भी परोपकार करते हुए बहती है। प्रकृति प्रत्येकं वस्तु परेशां कल्याणाय एव भवति, प्रकृति प्रत्येक वस्तु परेशां कल्याणाय भवति, प्रत्येक वस्तु कल्याण करने के लिए होती। अतः सर्वे मानव सदा परोपकार करना चाहिए। सभी जीवों में दया, सभी का हित, तीनों का पोषण, दुर्बलों की रक्षा इत्यादि परोपकार के लक्षण हैं। अतः स्वार्थ त्याग करके हमेशा अपना दूसरों का कल्याण करना चाहिए। चिंतन करते हुए सज्जनों का स्वभाव भी है। अतएव उच्यते परोपकाराय शतां विभूतयः, जो परोपकारी होते हैं वे अच्छे व्यक्ति अच्छी विभूति होते हैं। सत्संगति, सत्संगति मीन्स होता है सुंदर संगति, अच्छे व्यक्ति की संगति। शतां संगति ही सत्संगति भवति, अच्छी संगति सत्संगति कहलाती है। सत्संगति से ही, प्रभाव से ही मानव जीवन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मानव जो दिखाई करता है, जन ईसा निवशंति तत्स्वभाव कर्माणि च तादृशानि ये भवन्ति, जहाँ रहता उसके जो स्वभाव हैं कर्म दिखाई पड़ते हैं। साधुओं की संगति से महर्षि वाल्मीकि महर्षि बन गए। अंगुली माला अपि ही बुद्ध संगेण संन्यासी, और माला आदि रचना प्रारंभ कर दी। अतः मानवेन सदा सज्जना नाम, अतः मानव को सदा सज्जनों की संगति करना चाहिए और अपने समय का उपयोग करना चाहिए। बालकेशु संगत्या प्रभाव शीघ्र भी भवति, बालकों की संगति का प्रभाव शीघ्र दिखाई पड़ता है। अतः बाल्यकाल में संगति विषय विशेष रूप से सावधानी से करनी चाहिए। शताम संगत्या बालः सदाचारी दुर्जनानां च संगत्या दुराचारी भवति, इसलिए संगति दुराचारी व्यक्ति से नहीं करना चाहिए, दुर्जनों से नहीं करना चाहिए। अतः ये चुते सत्संगति कथया किम न करोति पुंसाम, सत्संगति करने से पहले पूछ लेना चाहिए। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीन भाषा है, इसका नाम सुरभारती, गीर्वाण भारती, देवभाषा, देववाणी आदि भी कह सकते हैं, नाम से भी प्रख्यात है। अस्यामेव वेदा उपनिषद, यह इसमें वेद उपनिषद पुराण स्मृति दर्शन शास्त्र आदि अनेक
काव्य नाटक आदि रचित हैं। अनेकैः ऋषिभिः मुनिभिः शास्त्रकारेषु महता प्रयत्नेन, अनेक ऋषि मुनि शास्त्रकार महतां प्रयत्नेन एषा भाषा संरक्षिता संस्कृता च। अनेक ऋषि शास्त्रादि इस भाषा को संरक्षित कर रहे हैं। अस्या व्याकरणम् अतीव वैज्ञानिकं कंप्यूटर यंत्रस्य कृते च सर्वथा उपयुक्तं वर्तते। यह व्याकरण अतीव वैज्ञानिक रूप में है, कंप्यूटर यंत्र में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अस्यामेव आशायां भारतीय संस्कृति की स्वच्छता वर्तते। अस्यामेव भाषायां, ये जो भाषा है भारतीय संस्कृति के लिए सुरक्षित करती है। अदा सर्वेषां भारतीयानां, इसलिए सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि ते संस्कृतम पठेयो, संस्कृत को पढ़ना चाहिए। आत्मनः संस्कृतिं च जानीयो, और संस्कृति का ज्ञान करना चाहिए। संस्कृतम बिना भारतस्य कल्पनापि नैव कर्तुं शक्यते, संस्कृत बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। अतएव उक्तम भारत से प्रतिष्ठित वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, इसीलिए भारत की दो चीज प्रतिष्ठित है, कौन? संस्कृत और संस्कृति। ओके स्टूडेंट, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ